प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मकान की रजिस्ट्री हो तो महिला के नाम से होना चाहिए, और प्रधानमंत्री आवास के 80% मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से की गई है। ये महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में, फिर आपको मालूम है आप में से कई लोग विधायक और सांसद भी बनने वाले हैं, लोकसभा में 33%, विधानसभा में 33% आरक्षण देने का काम महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिलाओं को दे जाए, ऐसी उड़ते उड़ते खबर मिली, पता नहीं लगी कि कोई महिला सांसद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला को लड़ाओ, वो सेफ सीट से लड़ा है। कौन? कविता यादव तैयार है। कविता जी तैयार है? अरे बहुत अच्छा। इसमें से बताओ, अगर बाय दी वे प्रधानमंत्री कहे कि हम कौन कौन लड़ने को तैयार है, इसमें से तो बताओ कितने लोग लड़ने को तैयार हैं लोकसभा। सारी महिलाएं अगर विधानसभा और लोकसभा लड़ेंगी तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? जयपाल जी आपने तो आइडिया छोड़ दिया, कुकिंग क्लास ज्वाइन करो।